कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दरभंगा के नाना घाट का युवक कालू खां की मिसिंग अभी तक जारी है और उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि कालू खां जो कि कुवैत में रहता था, उस मॉल में काम करता था जिस मॉल में यह भीषण अग्निकांड हुआ है, उसकी मौत हो गई है या फिर अभी तक वो जीवित है। इसको लेकर के कालू खां का जो परिजन है वो लगातार कुवैत में एम्बेसी से संपर्क साध रहा है और फिर उसके जीवित होने की सूचना को लेकर के लगातार उस प्रयास में लगा हुआ है। कालू खां का जो भांजा है खां, उससे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है अभी जो कुवैत एम्बेसी से बात हुई है उसके अनुसार कालू खां की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जिस मॉल में अग्निकांड हुई थी वहां की एक डेड बॉडी अभी भी अस्पताल में रखा हुआ है जो कि कुवैत पुलिस प्रशासन के कस्टडी में उस अस्पताल में उस बॉडी को रखा गया है। एक मिसिंग रिपोर्ट में कालू खां का नाम सामने आ रहा है और एक जो मिसिंग डेड बॉडी है वो अभी तक वहाँ पड़ी हुई जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिसके पहचान के लिए कुवैत एम्बेसी के द्वारा कालू खां के परिजनों से संपर्क किया गया और फिर यहाँ से सबसे पहले तो उनको कुवैत ले जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लेकिन बाद में जो इसके ताज़ा अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें कालू खां के छोटे भाई शाहरुख खान और एक बहन को कुवैत एम्बेसी के द्वारा दिल्ली बुलाया गया और वहाँ पर इन दोनों की ब्लड सैंपल लेकर के कुवैत भेजा जाएगा, जहाँ पे डीएनए टेस्ट करने के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि वो डेड बॉडी जो वहाँ पर अभी भी रखी गई है और उसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्या वो रियल में कालू खां का ही है या फिर किसी और का है। इसका क्या बोल रहा है कि इसका भाई को जो है ना कल टिकट दिया था, समझे, इसकी सिस्टर को टिकट दिया था। अच्छा, कुवैत एम्बेसी जो है उसको बुलाया दिल्ली, दिल्ली दिल्ली बुलाया, उसका जो है ना ब्लड का दोनों का सैंपल जो है ना कुवैत जाएगा। अच्छा, तो कब जा रहे हैं ये लोग? ये लोग कल गया, सिस्टर नहीं जा पाई है, इसको टिकट दिया ना इसका, उसकी सिस्टर तो बहुत दूर थी तो उसका तो फ्लाइट मिस हो गया। अच्छा, उसका भाई पहुंचा है, बाकी इसका फिर से टिकट भेजा था, वो भी नहीं जा पाई, समझे ना। तो अभी देखिए, अभी जो है दिल्ली का फ्लाइट का टिकट उकट जो है अभी फिर से करेगा दरभंगा से या क्या, तो जाएगी।